everyone, welcome back to my channel. This is Mini here, and today I'm doing a very chill and sit back, relax sort of video because that is also my mood for today. As in, ये पूरा हफ्ता I had to go to office, like work from home was called off. तो पूरा हफ्ता I was literally juggling, you know, the office work and also YouTube, filming reels and everything. So I just wanted some time off, some relaxing time this weekend, and that is why I thought Saturday should be a pampering time. Now I am gonna show you a little glimpse of what I'm gonna do today. By the way, this is me right now in the bathroom because आज का जो video है उसमें मैं आपके साथ अपना कुछ face cleaning process share करने वाली हूँ. So Good Vibes have sent me a few products. And मैं आपको दिखाती हूँ. So they've sent me a face wash. They've sent me this activated charcoal skin exfoliating scrub. Then there's also a lemon lip scrub. I've never really had a lip scrub. I always prepare lip scrubs at home. So I'm really happy that I have one from Good Vibes now. And this is a face mask. It's a papaya glow face mask. और फाइनली मेरे पास एक सीरम भी है जो कि मेरे रूम में पड़ी हुई है बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई विल रिक्वायर टू पुट इट. नाउ यू गाइज नो सीरम्स मैंने इसी साल स्टार्ट किया यूज करना, एंड दिस इज अ थर्ड सीरम एक्चुअली राइट नाउ दैट आई हैव. मेरी फर्स्ट सीरम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, दूसरी वाली आई गॉट फ्रॉम पर्पल और वो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, लाइक एक दो दिन हुआ है यूज करना, और आज मुझे अब दूसरी वाली सिरम पे स्विच करना है. सो आई एम जस्ट गोना सी यू नो व्हाट रियली वर्क्स. आई रियली होप कि गुड वाइब्स की भी अच्छी हो. इनफैक्ट इनके सारे प्रोडक्ट्स आर पैराबेन क्रुएल्टी एंड सल्फेट फ्री, विच इज आई मीन ग्रेट. मैंने पर्पल वाला जो लास्ट वीडियो किया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि वॉट इज पैराबेन एंड सल्फेट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड विद हार्मफुल केमिकल्स. सो आई थिंक दैट्स रियली हाउ आई लव कि मेरे जो स्किन पे मैं चीजें लगा रही हूँ उसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए. एंड व्हाइल आई विल बी डूइंग दिस होल फेस क्लीनिंग प्रोसेस आई एम गोना बी आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस हैव सेंट मी. तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी लाइक अ स्टोरी, और मैंने उसमें कहा था कि यू गाइस कैन आस्क मी यू नो एनी क्वेश्चंस दैट यू बी वांटिंग टू, और एनी सजेशन यू वांट टू गिव फ्रॉम योर साइड, या कोई अजम्पशन. तो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली. यस, आज बहुत ही रिलैक्स सॉर्ट ऑफ वीडियो है. यू गाइस कैन जस्ट टेक अ स्नैक और समथिंग लाइक दैट, या फिर आप लोग भी अपना कुछ फेस क्लीनिंग प्रोसेस करते हुए ये वीडियो देख सकते हो. सो वी कैन डू इट लाइक टुगेदर, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. अभी जो मेरा फेस है उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, लाइक नथिंग एट ऑल. मैं सुबह फेस वॉश किया था. तो अभी तो फर्स्ट टाइम मैं यूज करने वाली हूँ दिस वन गुड वाइब्स का जो ये फेस वॉश है. दिस इज दी पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश, एंड इट ऑल्सो सेज नो पैराबेन्स एंड नो केमिकल्स एज यू ऑल कैन सी वेरी क्लियरली. और इसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स भी सारे मेंशनड हैं. मेन इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत बता दूँ इसमें, लाइक ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट तो है. सो बेसिकली सिट्रस एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर. देर सम राइस वाटर विच आई कैन सी, देर सम ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लिसरीन भी है. सो या प्योरिफाइड वाटर एंड ऑल ऑफ दैट, काफी सारे इंग्रीडियंट्स. इट विल बी लॉट ऑफ टाइम इफ आई रीड ऑल ऑफ दोस, एंड आई लव टू ऑलमोस्ट स्मेल द प्रोडक्ट्स बिफोर यूजिंग देम. अच्छा, बाय मिरर इज दिस साइड, सो आई एम गोना लुक ओवर हियर एंड दैट विल बी मोर कन्वीनियंट. पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर वील स्टार्ट यू नो विद द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. सो आई एम टेकिंग दिस फेस वॉश, अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट. सो या आई एम टेकिंग थोड़ा सा फेस वॉश एंड इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आई एम गोना क्लीन माय फेस. सो आई कैन स्मेल लेस पपाया बट मोर यू नो ऑरेंज और सिट्रस इन दिस, बट नेवरथलेस द स्मेल इज रियली नाइस. Cool. So I have just washed my face entirely. I will just let my face dry, just naturally. And in the meantime, I'm gonna open the questions. Okay. So this was the post जो मैंने कल डाली थी. So the पहला question जो है that is how do you balance job and YouTube? So it really gets difficult. So much of planning that goes behind it. But मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी job को पहली priority दूँ because that is what is really giving me the handsome income that I further invest in my YouTube videos. तो मैं हमेशा अपनी job को पहली priority देने की कोशिश करती हूँ, और मेरा job काफ़ी दूर है तो यू नो मुझे commute करते time काफ़ी time मिल जाता है where I actually plan my videos. I always keep a journal handy. तो उसमें plan कर लेती हूँ. तो सारा planning
माइंड पार्ट मेरा रास्ते में ही हो जाता है, फिर घर आके आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट. और मैं थोड़ा सा यू नो आई टेल माई फैमिली ऑल्सो कि यू नो मेरे को इस टाइम पे शूट करना है अपना वीडियो, दे ऑल्सो कोऑपरेट. तो इसी तरह से बस थोड़ा सा आई ट्राई टू बैलेंस इट. और मैं हमेशा ना एटलीस्ट 4 वीडियोज, लाइक 1 महीने के वीडियोज पहले से ही एडवांस में प्लान कर लेती हूँ, ताकि उस रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी मंगवानी है चीजें ऑनलाइन या बाहर जाके खरीदना है तो मैं वो भी कर सकूँ. इट रियली गेट्स हार्ड, आई रियली फील दैट आई गेट अ लिटिल हार्ड ऑन माई सेल्फ समटाइम्स. सो या इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट ठीक है, हो रहा है, मैनेज. अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने चेहरे पे ये स्क्रब यूज करना. सो दिस एज यू ऑल कैन सी इट्स एन एक्टिवेटेड चारकोल स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब. और आई लव द पैकेजिंग ऑफ इट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी पैकेजिंग है, काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली भी है बिकॉज इट्स नॉट रियली बिग इन साइज. एंड यू कैन सी आई एम ओपनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो जो ग्रैन्यूल्स है ना इन द स्क्रब, दे आर लाइक क्वाइट स्मॉल, नॉट टू बिग. तो आई थिंक इट विल बी गुड टू स्क्रब, ज्यादा हार्श नहीं लगना चाहिए एनीवे. और फेस वॉश करने के बाद जो मेरी स्किन है ना वो मतलब बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लग रही है. आई थिंक अभी क्योंकि चेहरा धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी नहीं लग रही कि बहुत इच्छी हो रही हो कि मुझे एकदम से कुछ क्रीम या सीरम कुछ लगाने की नीड पड़ रही है. And all of these products, as they say, are really all skin type appropriate. So yeah, that is really nice. Okay, so somebody has asked me that how much do I spend on my clothes. So really that also quite varies. कुछ कुछ महीने मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ कपड़े. कुछ कुछ महीने I overspend. So yeah, it really is not fixed. बट आई क्वाइट ट्राई कि मैं बजट ना कुछ 5,000 to 10,000 के बीच में ही रखूँ. बिकॉज सी आई हैव टू ऑब्वियसली स्पेंड मनी टू बाई क्लोथ, बिकॉज मैं फैशन ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे नए नए कपड़े सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है. आई ऑल्सो ट्राई कि मैं अपने पुराने कपड़ों को नए तरीके से कैसे पहन सकती हूँ और यू नो कैसे उनको डिफरेंट दिखा सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अ मतलब यू नो वॉट माई चैनल एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड, कि मतलब मल्टीपल वेज में आप कैसे किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो. मेरे पास इनफैक्ट मोस्टली कपड़े भी ऐसे हैं जो कि बहुत मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ हैं. सो क्वाइट अ लॉट ऑफ कैप्सूल वार्डरोब पीसेज आई हैव. बट या सो जैसे कि मैंने कहा, अभी जैसे फर्स्ट अभी समर्स चल रहे हैं तो मैं थोड़े समर वाले कपड़े थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं खरीदूँ. तो आई ट्राई टू कीप माई बजट अराउंड 5,000 to 10,000. तो हो सकता है कि अब 5,000 to 10,000 में मतलब रीजनेबल कपड़े काफ़ी सारे खरीद लिए, यू नो नॉट ओवर स्पेंडिंग और नॉट वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स, या फिर 5,000 to 10,000 में कुछ लिमिटेड चीज़ें ली लेकिन बहुत ही हाई ब्रांड से ले ली, तो मे बी जस्ट 1 or 2 पीसेज. इस तरह से बहुत देरी होता रहता है. बट या इफ आई फील कि मैंने 1 महीने बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर लिया है तो मैं ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ अपना कॉन्टेंट, कि या फिर कोई कहीं जाना है तो उस हिसाब से मैं प्लान करती हूँ. मेरे अगर कहीं पे सपोज वेडिंग में जाना है तो वेडिंग के अप्रोप्रिएट आउटफिट्स खरीदूंगी, तो फिर शायद बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मे बी इट गोज अप टू 20,000. सो या इट जस्ट गोज अ लिटल लाइक दैट. आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना जब फेस स्क्रब कर रही हूँ तो आई गो दिस वे, यू नो लाइक अपवर्ड्स. अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो यू नो स्किन झूलती है और रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं, इलास्टिसिटी लूज होती है. सो दिस इज हाउ यू शुड डू व्हाइल स्क्रबिंग द फेस, ताकि आपका फेस एकदम टाइट रहे, फर्म रहे, इलास्टिसिटी उसकी अच्छी रहे. देन समबडी हैज आस्क्ड मी माय डेली स्केड्यूल. तो मेरा डेली स्केड्यूल बहुत ही आजकल तो मतलब इट्स क्वाइट रूटीन वाला. सो आई गेट अप अराउंड 6:15 टू द डोर बेल. सो माई कुक कम्स अराउंड 6:15, तभी उठती हूँ मैं. आई जस्ट गिव हिम द मेन्यू कि क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में एंड लंच में, एंड देन आई समटाइम्स डू मे बी अगर एक्सरसाइज करने के मूड में हूँ राइट इन द मॉर्निंग तो आई डू सम योगा स्ट्रेचेज, और कभी या तो आई डांस इफ आई एम इन अ मूड कि हाँ डांस करना है. इन ऑन सम डेज आई हैव माई रील्स ऑल्सो प्लान्ड, तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ एंड देन आई शूट माई रील्स. अभी जो लास्ट 2 रील्स की थी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे, वो तो मैंने इतनी फटाफट से सुबह सुबह शूट की थी बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस. सो इट गेट्स क्रेजी समटाइम्स. मैं एक दिन पहले प्लान कर लेती हूँ कि अच्छा कल रील बनानी है, तो फटाफट आई टेक आउट माई क्लोथ्स, उनको रैक पे मैं हैंग कर लेती हूँ ताकि फटाफट से मैं सुबह शूट कर लूँ. इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
और इस तरह से फिर मैं अराउंड 7:30 आई जस्ट हैव माय मिल्क, आई हैव सम हैंडफुल ऑफ नट्स एंड आई लीव फॉर वर्क. आई लीव वेरी अर्ली बिकॉज मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है एंड 8:30 माई ऑफिस स्टार्ट्स विच गेट्स ओवर बाय 5 और 6 बज जाती मुझे घर आते आते. तो फिर आके आई जस्ट हैव माई लेमन टी, आई हैव कुछ छोटा मोटा ऐसे क्विक बाइट एंड देन दीज डेज आई एम गोइंग टू अ फिजियोथेरेपिस्ट बिकॉज मेरा बैक पेन एंड ऑल का इश्यू चल रहा था. तो आई लीव बाई 6:45, आई कम बाई 7:30 or 7:45 एंड माई हस्बैंड यूजली यू नो वेन ही इज ही कम्स बिफोर मी फ्रॉम वर्क तो ही डज थोड़ा बहुत यू नो कटिंग वेजिटेबल्स या कुछ भी चीज़ें भिगो के रखने में भी चावल और दाल एनीथिंग फॉर मे बी खिचड़ी और समथिंग. सो ही डज दैट थिंग ताकि आके क्विकली फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट आई प्रिपेयर डिनर एंड देन वी ईट डिनर बाय 8:15 नॉट लेटर देन दैट. उसके बाद थोड़ा फैमिली टाइम देन वी यूजली गो डाउन टू प्ले बैडमिंटन और वी वॉक नीचे सोसाइटी में. तो ये होता है बाय 10:15 or 10:30 आई गेट इन बेड. आई वॉच अ लॉट ऑफ रील्स इस समय पे, मतलब आई ट्राई कि 7 to 8 hours की तो स्लीप एटलीस्ट मैं लूँ. सो मेरा काफ़ी ज़्यादा तो स्क्रब जो है वो हो चुका है ऑलरेडी फेस एज यू ऑल कैन सी. और मैंने जैसे कि कहा मुझे इसके ग्रैन्यूल्स बहुत अच्छे लगे स्क्रब के, दे आर क्वाइट मतलब छोटे इन साइज तो आराम से यू नो इट इज गेटिंग ब्लेंडेड इन माई स्किन. इट्स ऑल्सो अगेन नॉट वेरी ड्राइंग, ऐसा बहुत ड्राई ड्राई नहीं फील हो रहा है. और पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी स्क्रब यूज़ किया था बट एवरी टाइम आई स्क्रब ना मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है फेस पे, मतलब थोड़ा बर्निंग सा सेंसेशन होता है. मुझे ऐसा लगता था कि बहुत नॉर्मल है बट दिस स्क्रब मुझे टच वुड अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा है कि मेरे को इरिटेटेड लग रहा है या मेरे को कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है. तो ठीक है अभी काफ़ी मैंने स्क्रब कर लिया है, मैं थोड़ा सा अपना फेस को वॉश कर लेती हूँ. दिस इज माई फेस राइट नाउ आफ्टर द स्क्रब. आई फील कि काफ़ी क्लीन हो गया है ऑनेस्टली नॉट लाइंग. आई फील आई थिंक यू गाइज कैन ऑल्सो सी अ डिफरेंस, आई डोंट नो इफ इट्स रियली विजिबल दैट मच ऑन द कैमरा बट फील हाइड्रेटेड एंड माई स्किन रियली फील्स वेरी 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 क्लियर एंड क्लीन राइट नाउ. ओके आई एम गोना टेक अप मोर क्वेश्चंस और फिर मैं लिप स्क्रब भी करूँगी. Oh, a lot of people have asked when is house tour coming, house tour kab aa raha hai, waiting for tour of your home closet wala mast tha. Thank you so much. House tour video is the next video that will go live on the channel. So yes, just a week more, you guys have to wait for it. Somebody has asked me where are you traveling next, love your travel vlogs. Thank you. Acha pehle to this is the lemon lip scrub that I'm gonna try now. So this is how the packaging of it is and it's very tiny. I love कि ये भी travel friendly है और मुझे ये gold जो इनकी ऐसी box packaging है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है. So it's a lemon scrub and I love lemon in my products. Wow, बहुत citrus और fruity सी इसकी smell है and it's really really good. I think इसमें जो ऐसे ये granules हैं वो भी I think sugar के होंगे. So यहाँ पे raw cane sugar है, cold press sunflower oil है, beeswax, cocoa butter, vitamin E and lemon essential oil. Wow, all things good have been used here. These are all key ingredients. I'm sure there are more ingredients to this. And I'm gonna just take a little of this scrub on my ring finger. I'll try to see why it's so difficult to do that. So traveling to because of COVID ho hi pa rahi hai. I don't know, we have plans maybe for the next month or August but let's see, depends totally ki COVID ki kya guidelines aati hai, how the situation goes. I really hope that more and more people get vaccinated and you know we get completely rid of it. Cases abhi kam aa rahe hain which is great but then again the Delta plus variant is here so I'm really scared. But I really want to travel and I want to go to some hilly region. Mostly we'll try and go for, we plan for South India because abhi tak humne zyada ghumi nahi hai South India. So we'll go maybe to Wayanad and Athirappilly and Coorg. So wahan ka hi hai mostly plan. Okay, so I'm done with the lip scrub as well and definitely my lips feel a lot supple and I think
pinkier. I don't know. You guys can tell me better. Or maybe when I edit, I'll see if there's a very significant difference. Somebody asked me what's my favorite part of the day. Definitely has to be when I am done with dinner, or uske baad mein there's, you know, 1.5 hour which I spend with my family. We sometimes watch TV, or we, as I said, we go to play badminton, you know, for half an hour. So that kind of my favorite part of the day hota hai. Somebody's asked me my favorite pastime. My favorite pastime definitely has to be like watching interviews, you know, of celebrities like or Pink Villa or maybe Film Companion. So yeah, aise mujhe interviews wagera dekhna mere favorite celebrities ke bahut zyada pasand hai. Abhi next maine lip scrub to kar liya hai. The next thing is I'm gonna apply a face mask. But uske pehle main aapko thoda bahut bata dun. Ye hai papaya. This papaya glow face mask. और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे हैं. यू कैन सी देयर इज व्हीट गम ऑयल, पपाया एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, सिट्रस, रोज एक्सट्रैक्ट, लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई एम नॉट गोना गो वेरी डीप इनटू इट एंड क्विकली ओपन द बॉटल. कीन ट्रैवल फ्रेंडली एज यू ऑल कैन सी. आई लव द स्मेल. बहुत ही क्रीमी सा है ये. सो आई डोंट इवन नीड कि मेरा फेस वेट रहे जब मैं इसको अप्लाई करूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी क्रीमी एंड बटरी. और बहुत ज़्यादा तेज स्मेल नहीं है पपाया की, बट देन यू नो लाइक इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. द स्मेल इज रियली नाइस. सो देन समबडी हैज आस्क्ड मी व्हाट आर यू करेंटली वॉचिंग. सो आई एम वॉचिंग द बोल्ड टाइप एंड आई एम ऑन द फोर्थ सीजन के बस फिनाले पे ही. एंड आई एम सो हुक्ड विद द सीरीज. मतलब इट्स लाइक माई फेवरेट थिंग. इट्स ऑल्सो लाइक माई मी टाइम. समबडी आस्क्ड मी हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, लाइक वॉट यू डिड, प्लीज टेल योर जर्नी. जर्नी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई डिड सी एस. तो सी एस करके आई गॉट माई फर्स्ट जॉब हियर इन अहमदाबाद. और या आई हैव बीन डूइंग एक्चुअली मतलब जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी ओनली. अभी मैं अपनी थर्ड कंपनी में हूँ एंड आई एम हियर फ्रॉम, इट्स गोइंग टू बी 4 years दिस डिसम्बर. एंड साथ ही साथ मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ. यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक यूट्यूब इज एक्चुअली वॉट रियली कैन बी कंसिडर्ड एज अ जर्नी. वो मैंने स्टार्ट किया था 2017 ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2017 में. यूट्यूब स्टार्ट किया था जनवरी 2019 में. एंड इट्स अ वेरी स्लो जो मेरा रहा है ना माई स्केल, बट आई एम होपिंग कि अब इट विल जस्ट गो अपवर्ड फ्रॉम योर. सो या एंड देन विच ऐप यू यूज टू एडिट योर यूट्यूब वीडियोज इन नॉर्मल लैपटॉप. नो नो नो, आई डोंट यूज अ लैपटॉप. आई एडिट माई वीडियोज ऑन आई मूवी. सो बेसिकली मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है टू शूट ऑन सोनी ZV-1 जिसमें अभी मैं शूट कर रही हूँ. सो दिस इज माई कैमरा. इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाई माई फादर. एंड मैं इसमें से एक्सपोर्ट कर लेती हूँ ऑन माई फोन. इट्स वेरी कन्वीनियंट सो दैट यू नो जब मैं ऑफिस जा रही हूँ इन द मीन टाइम आई कैन जस्ट एडिट माई वीडियो. सो इट्स वेरी हैंडी. आई एडिट माई वीडियोज ऑन आई मूवी. और काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं ऑन मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट. समबडी आस्क्ड मी व्हाट जॉब डज योर हस्बैंड डू. सो माय हस्बैंड इज आल्सो कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉयर एंड ही वर्क्स इन अ लॉ फर्म हियर ओनली इन अहमदाबाद. एंड समबडी आस्क्ड मी बैचलर लाइफ और मैरिड लाइफ विच इज द बेस्ट. सो बोथ हैव देयर ओन आई थिंक पर्क्स. बैचलर लाइफ ऑब्वियसली इज ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट. बट मैरिड लाइफ इज ऑल्सो ग्रेट इफ यू हैव अ ग्रेट पार्टनर, गुड इन लॉज दैट यू नो देयर इज बैलेंस एंड दे आर कोऑपरेटिव. सो एवरीबडी शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नीड्स ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर नीड्स. एंड देन समबडी इज आस्क्ड मी टू गिव एडवाइस ऑन हेल्दी मैरिज एंड आई एम लाइक गाइज जस्ट 1.5 year old इन टू मैरिज. सो आई कॉन्ट रियली से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. बट मैंने अभी रिसेंटली कहीं पर कुछ देख रही थी और वहाँ पे मैंने देखा था कि यू नो फॉर अ हेल्दी मैरिज देयर आर 3 C's. इट वाज लाइक कॉम्प्रोमाइज एंड कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन विच वाज सो डीप. आई वाज लाइक या दिस इज रियली रियली आई थिंक द की इंग्रेडिएंट्स टू अ हेल्दी मैरिज. एंड आई थिंक आई एम वेल वुड ट्राई दैट यू नो वी ऑब्वियसली वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. वी आर वेरी वेरी वोकल अबाउट वॉट वी वॉन्ट एंड both partners should be very equal in marriage. You know, it should not be like that one person is only just giving their all. And I think aajkal to most people are working, but what I really see is that women are working, but then at home again they are just after, matlab just to look after their home. So I think there should be balance, you know, both people. If women are going out and doing work, so I think it's time that even males should start working in the kitchen and looking after the household chores. It should, like, it's 2021 guys. So I think, you know, males not looking after the house is so passe. It's really a thing of the past. So yeah,
अब आई विल स्टार्ट टू अप्लाई दिस फेस मास्क एंड देखती हूँ कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सो आई एम रियली नॉट वॉन्टिंग दैट एज वेल एंड बाय द वे इट्स क्वाइट विजिबल राइट नाउ आई डोंट यूज अ ब्रश और एनीथिंग टू अप्लाई अ मास्क बिकॉज मुझे बहुत कन्वीनियंट होता है यू नो टू अप्लाई इट लाइक दिस Somebody has asked me home decor ideas. I think house tour video में आप लोग देख ही लोगे हमने अपना घर बहुत ही minimal सा किया है But yeah, there are like highlighters and good accents here and there. So I think उसमें मैं अच्छे से शेयर कर पाऊंगी Somebody's asked me how to take out time for yourself with kids and need to look after home. I can totally understand. I don't have kids, but I can understand that once you get married, it becomes really difficult कि खुद के time नहीं निकल पाता है. But then I think you have to do it at least दिन भर में some time. You know, like for example, right now I am doing the मतलब self pampering sort of thing. तो ये मेरे लिए मेरा मी टाइम है विच आई एम ऑब्वियसली यूजिंग टू टॉक विथ यू गाइज बट दिस इज ऑल्सो वेरी रॉ काइंड ऑफ थिंग इस तरह से करना देन यू नो मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम एक्सरसाइज यू नो लाइक योगा या फिर रनिंग या आई ऑल्सो समटाइम्स फाइंड कुकिंग एज वेरी थेरेप्यूटिक एंड दैट इज ऑल्सो लाइक माई मी टाइम फॉर मी समटाइम्स रीडिंग अ बुक और वॉचिंग अ वेब सीरीज सो दिस इज ओनली हाउ यू काइंड ऑफ take out time for yourself and you need to be very vocal about your needs you need to communicate to your family to your partner that you know even you are a human being and you also need some time to yourself I think when your kids are maybe sleeping I saw Perky Megs you know she also gets up very early in the morning to shoot videos because that is a time when her daughter her kid is sleeping so she takes out that time so you know it can be anything that you really And I mean, if you're passionate about it, for example, taking out time for yourself, you will do it anyway. And you should take out time for yourself. Otherwise, na, bahut zyada frustration aa jata hai. I also get frustrated a lot of times when I don't feel ki mereko ab sufficient time mil raha hai khud ke liye. So I think just to avoid that frustration and that kind of build up of anger, it's important ki apne time nikale. Tried not to apply anything on this very sensitive part of the face, eyes. Somebody has asked me how much to spend on clothes in college. I don't think you should overspend when you are in college because that is a time when you are totally dependent on your parents for your financial needs. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय don't overspend. I will tell you about myself. मैं मतलब जब मैं कॉलेज में थी ना तो my sister had already got married and she staying in Mumbai. तब भी वो मुंबई थी तो मैं जाती थी हर साल में दो बार in December and in June. और luckily तब ना sale भी चल रही होती थी तो I used to buy a lot during the sale time. और मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ें लाइक इन बल्क खरीद लेती थी and I used to street shop a lot. I still do. I mean girls really like street shopping, all of us. So yeah, इस तरह से you know I think what you should do is like you know divide your needs don't really overspend a lot on luxury brands and things like that I think once you start earning yourself I think that then is a time when you will really understand you know how important how amazing it feels when you buy something really expensive with your own hard-earned money but till the time you're in college I think you can really do a lot of street shopping you can buy during the sale time and also choose like you know two months in a year when you really have to shop all of your clothes like you know what's trending and tops and everything and then yeah I mean the key is to just I mean mix and match follow my channel guys subscribe I will tell you a lot of ways you can actually wear your clothes and your outfits in different ways which will be really useful for people who are in college and I see a lot of young girls are actually subscribed to my channel mujhe kai baar pata bhi nahi hota hai kai baar main milti hu kisi se koi relative wagera bhi to wo batate hain ki unke bachche mujhe follow karte hain unki daughter and everyone and I feel ki oh my god such young girls are following me to mujhe kafi zyada unki needs ko bhi cater karna chahiye so I think that's about it itna hi hai abhi questions jo main aaj lene wali hu I'll wait for my face mask to get dry I have
टू गो समवेयर ऑल्सो. तो मैं सोच रही हूँ कि अपने कपड़े वगैरह भी जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक बाहर निकालूँ रैक में से. मेक अ रील बिफोर आई गेट रेडी एंड आफ्टर आई गेट रेडी ट्रांजिशन एंड ऑल. तो आई सी यू गाइज आफ्टर आई डू दी क्लीनिंग एंड वंस दिस फेस मास्क गेट्स ड्राइड. Okay guys, so I have taken my shower now and this is my face after the shower. I've not applied anything on the face abhi tak, shower ke baad matlab. And I feel, matlab bilkul bhi dry nahi ho raha hai mera face aur zyada oily bhi nahi feel ho raha hai obviously because jis main shower se aayi hu. Par kai baar hota hai na ki hum log kuch mask wagera laga lete hain aur fir face wash kar lete hain to इट जस्ट एकदम से ड्राई फील होता है, इची फील होता है, ड्राई पैचेज रहते हैं और इन देयर एंड समथिंग फ्लेकी ऑन द फेस. बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. आई फील दैट माई स्किन इज फीलिंग वेरी हाइड्रेटेड, वेरी वेरी नरिश्ड. सो आई रियली लाइक द होल रेंज दैट दे हैव फॉर द फेशियल एंड आई रियली रियली कैन रिकमेंड दिस टू यू गाइज ऑल्सो. आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो. सो अभी मैंने चेंज किया है इन टू समथिंग आई एम wearing and I'll go out wearing. So yeah, I'm gonna use the Rosehip Radiant Glow Face Serum and this is my third serum for this year. ये वाली मैं पहले बता दूँ इसमें क्या क्या ingredients हैं. इसमें है सेसमे ऑयल, आमंड ऑयल, विटामिन ई, जोजोबा ऑयल भी है इसमें और रोज हिप ऑयल है. सो आई रियली लव ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट दे यूज्ड. यू नो विटामिन ई तो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था दैट यू शुड स्टार्ट इंक्लूडिंग सच प्रोडक्ट्स इन योर स्किन केयर विच हैज़ विटामिन ई. एंड आई थिंक बिकॉज सब कुछ बहुत ही अच्छे हैं चीज़ें, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट द एप्लीकेशन एंड यू नो द इफेक्ट दैट इट विल हैव ऑन द फेस. इसमें इस तरह का जो ड्रॉपर आता है वो है अलग से और ये इसकी बॉटल है, काफ़ी छोटी सी है. स्टेट्स दैट इट हैज़ यू नो लाइक नो पैराबेन और सल्फेट्स इन इट विच इज आई मीन गुड. सो हाँ आई एम गोना जस्ट टेक दिस. पहले तो मैं चेंज कर लूँ इसका जो कवर है उसको. मैं आई थिंक ड्रॉपर इस पर लगा सकती हूँ. पहले तो आई हैव रिप्लेस्ड द कवर और अभी मैं ये ले रही हूँ. आई एम जस्ट गोना कीप माई हेयर ऑफ द फेस लिटिल. A few drops. I'm gonna just massage this on my face now. The smell is good, yeah. मुझे अभी फिलहाल थोड़ी सी ऑयली लग रही है, मे बी जस्ट अभी अप्लाई करी है, बट यस इट हैज प्रोवाइडेड दैट इंस्टेंट ग्लो डेफिनेटली. नाउ दैट आई हैव हैड द टाइम टू एब्जॉर्ब दिस, अब जो वो ऑयली थिंग थी ना वो एब्जॉर्ब हो चुकी है मेरे फेस पे एंड अब ये ज्यादा स्टिकी नहीं लग रही है. मैं चीक टिंट लगाऊंगी. दिस इज ऑल्सो लिपस्टिक बट आई यूज इट मोस्टली एज अ टिंट. यू नो आई हैव सीन वन थिंग कि जब ऐसे ऑयल बेस्ड सीरम लगाते हैं ना तो जो ये चीक टिंट्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं स्किन पे और एकदम ब्लश जैसे लुक देते हैं. सो दिस इज माय कंप्लीट लुक. सिर्फ इतना ही लगा के जाती हूँ मैं. आज तो मैंने नेल्स भी कट किए हैं सो यू कैन सी नो नेल पेंट. आई जस्ट वांट टू लेट माय नेल्स ब्रीद एंड दिस इज द होल लुक गाइज. मैं कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ शॉर्टली. Hope you all enjoyed watching this video. Before going, I want to say that you can also shop Good Vibes from the Purple website. वहाँ पे sale चल रही है till 27th. It's just last day sale का. तो please make sure that you shop all your hair care and face and skin care makeup related products. Also, ये video कैसा लगा जरूर बताना मुझे comments में. And I hope you guys enjoyed it. Please like the video. Please share it. Next video will be house tour video, so make sure you subscribe and hit the bell notification. I will see you all in the house tour video. Bye, take care, lots of love.